दोस्तों एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस, एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर को अभिषेक बिग खतरों के खिलाड़ी में जाने से पहले क्या कहकर गए थे और किस तरीके से उस प्रोड्यूसर का विश्वास अभिषेक पर बहुत ज़्यादा अटल है, और एज अ एक्ट्रेस, एज अ प्रोड्यूसर और एज अ नोन टू अभिषेक, वो क्या कह रही हैं अभिषेक के बारे में और क्या लास्ट वर्ड से अभिषेक के जब वो खतरों के खिलाड़ी में एंटर कर रहे थे, ये जरूर सुनना पड़ेगा। गुरु आपको सबसे पहले तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। देखिए बीच बीच में थोड़ा सा कैमरा हो जाता है तो उसको सेट करना पड़ता है गुरु, बाकी ध्यान से सुनिएगा। बात ऐसी है कि अभिषेक कुमार इस समय खतरों के खिलाड़ी में तो है, बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको जनता पसंद कर रही है, और कहीं ना कहीं इस समय एक पीपल्स फेवरेट धीरे धीरे बनते हुए जा रहे हैं। लेकिन इस समय अगर मैं आपको बताऊं तो अभिषेक बिग बॉस में जाने से पहले, खतरों के खिलाड़ी में जाने से पहले एक शो करते थे, एक ऐसा शो जो कि टीआरपी बूस्टर तो था ही था, लेकिन उसके पहले जो इस कास्ट का हिस्सा थे, शो का हिस्सा थे, उन लोगों ने भी धमाल मचाया था। मैं बात कर रहा हूँ उड़ारिया की। दोस्तों उड़ारिया की ही प्रोड्यूसर रह चुकी और पंजाबी एक्ट्रेस, काफी ज्यादा पॉपुलर पंजाबी एक्ट्रेस, और भाई दबदबा इनका हिंदी इंडस्ट्री में भी उतना ही है। मैं बात कर रहा हूँ सरगुन मेहता की। दोस्तों सरगुन जो है उनका ये कहना होता है कि कुछ दिन पहले अभिषेक मुझसे मिलने आते हैं खतरों के खिलाड़ी में जाने से पहले, और वो मुझे बोलता है मैम आप देखना मैं फाड़ दूंगा, इस बार पूरा फाड़ के आऊंगा शो इस बार। जिसके बाद सरगुन ये भी कहती हैं कि मुझे भरोसा है कि वो फाड़ेगा, मुझे भरोसा है कि वो अपना बेस्ट देगा, क्योंकि वो बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के टच पे, अपनी मेहनत पे इस इंडस्ट्री में आया है, और इस इंडस्ट्री में आकर उसने अपना खुद का मुकाम बनाया है, तो वो ज़रूर बहुत बड़ा कुछ करेगा अपनी लाइफ में। फिलहाल सरगुन का ये ट्रस्ट ही है, और कहीं ना कहीं अभिषेक ने वो भरोसा जीता है सरगुन का, और सरगुन का वो ट्रस्ट ही है जो अभिषेक की कहीं ना कहीं एक ढाल भी बन सकता है, क्योंकि वेलविशर दोस्त और आपके परिचित लोग अगर आपके बारे में दुआएं करें तो अक्सर वो दुआएं सच होती हुई जरूर दिखती हैं। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, जरूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।